उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होने जा रही है, जिसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक की अगर बात करें तो पंजीकरण का आंकड़ा 15 लाख पहुंच चुका है, जिससे ये तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को SSP देहरादून ने फर्जी कंपनियों से बचने की हिदायत दी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, चारधाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं। और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके, अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं, तो सब मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराए। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करे, और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना जरूर दे।